हेलो एवरीवन, आज हम लोग टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो सबसे पहले जो फंड है वो ग्रोथ फंड है। ग्रोथ फंड मेजरली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और ये लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए होता है। और ये सबसे बेस्ट फंड है कि यार आपने सब जस्ट अभी जॉब करना शुरू किया है तो आप ये गोल ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करिए। इसमें क्या होता है कि जितना भी आपने अमाउंट लगाया है, आपको जितनी भी नेव या इक्विटी मिली है, उसमें उन स्टॉक्स के जितने भी डिविडेंड मिलते हैं वो फिर से री इन्वेस्ट हो जाते हैं। और ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन का एक ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट फंड है वो है इनकम फंड। इनकम फंड बेसिकली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और ये एक तरह से फिक्स्ड इनकम फंड टाइप्स है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप ये इन फंड में इन्वेस्ट करें। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन केस किसी गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट में कुछ मनी की ज़रूरत है, देन दे इशू बॉन्ड्स। तो आप उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी देते हैं और साथ साथ आपको रेगुलर इनकम का भी ऑप्शन इसमें रहता है। और ये एक तरह से मैच्योरिटी के बाद आपको बहुत अच्छे खासे मनी देता है। जो नेक्स्ट फंड है वो है लिक्विड फंड्स। सो लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं। और इनके जो फीचर्स हैं, सबसे पहले ये रिटर्न्स बहुत अच्छे देते हैं फिक्स टाइम पीरियड में और लेस वोलेटाइल होते हैं। इनमें ऐसे कोई इश्यूज नहीं होते, मीन्स बहुत कम रिस्क रहता है इसके अंदर। और इसमें एक लॉक इन पीरियड रहता है और बहुत ही कम लॉक इन पीरियड होता है, दस बार लोग बहुत में इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और कोई एग्जिट लोड नहीं होता, अगर आपको एग्जिट के टाइम इसमें ऐसे कोई इश्यूज नहीं होते और कोई लोड नहीं रहता, इनसे आपको ज़्यादा मनी पे नहीं करनी पड़ती। और इसको आप इजीली आप इसको रिडीम कर सकते हो जब आपका मन चाहे। सो नेक्स्ट फंड है ईएलएसएस फंड, टैक्स सेविंग फंड भी आप इसे कह सकते हैं। ये दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, एक तो आपका वेल्थ क्रिएशन होता है, प्लस आप ETC के अंदर टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं जो कि 1,50,000 के करीब है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप जब इस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, तो ये ATC इनकम टैक्स डिडक्शन के अंदर आते हैं। सो इसमें आप साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी होता है, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, ग्रोथ में और डिविडेंड फंड्स में। सो आप इसमें कोई भी चीज़ें चूज कर सकते हो। जो नेक्स्ट फंड है वो है पेंशन फंड्स। तो ये लॉन्ग टर्म फंड है, ये रिटायरमेंट एज के लिए ही फंड बनाया गया है सच। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हाफ इक्विटीज़ में जाती है, देन हाफ डेब्ट में जाती है। तो इक्विटी जो कि बहुत वोलेटाइल है, तो अगर वहाँ पे कोई रिस्क होता है तो वो डेब्ट के उससे बैलेंस हो जाता है। और ये आपको फिक्स रिटर्न टाइप्स एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि पहले PPFs होते थे उस टाइप से ही है। और ये आपको बहुत बेनिफिट करता है, एट द एज ऑफ रिटायरमेंट यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो ये थे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन केस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। और इन केस आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।